देश के साथ साथ हिमाचल के नालागढ़ और सोलन में भी ईद उल फितर का पर्व आपसी भाईचारे, प्रेम और एकता के साथ मनाया गया। आज सुबह से ही मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हजारों की संख्या में मिलकर नमाज अदा की। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद पर गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद यूनिस ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। ईद का संदेश है देशवासियों के लिए, हमारी दुआ ईद की ये है, हमारी दुआओं की बरकत से मालिक हमारे मुल्क की हिफाजत करे और हमारे मुल्क से जो नापाक लोग हैं, गंदे लोग हैं, उनको बाहर निकाले और दुश्मनों के नापाक सोच से हमारे मुल्क की हिफाजत करे, दहशतगर्दी को हमारे मुल्क से मालिक अल्लाह पाक बाहर निकाले। और ये भाईचारे का संदेश है, ईद का मिलन जो है वो आपसी मिलन है, दिलों को मिलाने का नाम ईद है, दिल से दिल को मिलाने का नाम ईद है, गिले शिकवों को भुलाने का नाम ईद है, आपसी ताल्लुकातों को बढ़ाने का नाम ईद है। हम अपने पड़ोसी का ख्याल करें, अपने बड़ों का ख्याल करें, हर मजहब के हर इंसान का हम ख्याल करें, उसकी इज्जत करें, इसका नाम ईद है। जामा मस्जिद सोलन में सरोडिंग एरिया तकरीबन 30-40 किलोमीटर के आसपास के मुसलमानों ने ईद की नमाज़ अदा की। तकरीबन 2,500 लोग ख़राब मौसम के बावजूद शामिल रहे। समस्त प्रदेशवासियों को और समस्त देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं और मुबारकबाद दी गई। सभी लोगों की खुशहाली, तरक्की और कामयाबी की दुआएं मांगी गई। और इस मौके पर समाज के गरीबों, कमज़ोरों, बेवाओं, यतीमों, मिस्किनों, लावारिस बच्चों की इमदाद के लिए विशेष दान सदक़ाए फितर 40 रुपये खुशहाल परिवारों को अदा करने के लिए अपील की गई और उन्होंने उसको अदा किया। इस मौके पर देश की खुशहाली, देश की एकता, देश की अखंडता और देशवासियों की खुशहाली, देशवासियों की तरक्की के लिए जामा मस्जिद सोलन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं की गई। नालागढ़ से अनवर हुसैन, सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।